फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट टू राइट, कोई भी एक क्रिस्टल या कार्ड पिक कीजिए, शॉर्ट क्विक मैसेज देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। फर्स्ट वाला कार्ड पिक किया है तो ब्लॉसम, लवली। तो मैं बोलने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा आप उनको दे रहे हो जो भी चीज़, वो उनसे बहुत हैप्पी हैं आपके बिहेवियर से, आपके इंटेंशन से, आपके यू नो लाइक जो आप एनर्जी उनको पास ऑन करते हो, द वाइब इज़ लवली एंड द पर्सन इन्जॉयज इट थरली। सेकेंड कार्ड पिक किया है अगर, सेकेंड क्रिस्टल, गिविंग एंड रिसीविंग। ओके, तो वॉट एवर यू आर गिविंग यू आर रिटर्निंग, आपको वो रिटर्न मिल रहा है टेनफोल्ड रिटर्न में। तो डोंट वरी इफ यू आर गिविंग गुड इंटेंशंस, आप अच्छे से ट्रीट करो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको उससे 10 गुना ज़्यादा वही चीज़ दे रहे हैं, सो डोंट वरी। करंट एनर्जी तो उनकी यही है कि भाई उनको ऐसा लगता है कितना आपने उनको दिया है, इतनी हेल्प की है, इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया इमोशनली, मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो, तो वो चीज़ उनको आपको रिटर्न करनी है। थर्ड वाला कार्ड देख लेते हैं, थर्ड पर्सन की एनर्जी क्या है, मूविंग ऑन। ऑल राइट, सो आप लोग में से अगर काफ़ी लोग रफ़ पैच से गुजर रहे हैं तो मैं बोलने वाली हूँ कि आप लोग रहना या जाना इस पर एक डिस्कशन कर रहे हैं, एंड बोथ ऑफ यू ऑल आप लोग हर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड एक वे से कहीं ना कहीं मूविंग ऑन क्या एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, रिस्पेक्टफुली और दोनों की मर्जी से ही सही, बट इज़ दैट एन ऑप्शन अवेलेबल, इस टाइप का ज़रूर आपके पार्टनर सोच रहे हैं।